Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. सऊदी अरब के शहर मक्का में भीषण गर्मी पड़ रही है। ये गर्मी इस साल अब तक 1300 से अधिक हज यात्रियों की जान ले चुकी है। इनमें बड़ी संख्या में भारतीय हज यात्री भी शामिल हैं, जो कुछ समय पहले ही हज के लिए सऊदी अरब रवाना हुए थे। राज्य के स्वामित्व वाले अल अखबरिया टीवी से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि 95 तीर्थयात्रियों का अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है, जिनमें से कुछ को राजधानी रियाद में इलाज के लिए हवाई मार्ग से ले जाया गया। उन्होंने कहा कि पहचान प्रक्रिया में देरी हुई, क्योंकि उनमें से कई मृत तीर्थयात्रियों के पास पहचान संबंधी कोई दस्तावेज नहीं थे। मंत्री ने आगे कहा कि मृतकों को मक्का में दफनाया गया, लेकिन उन्होंने विस्तृत जानकारी नहीं दी। मृतकों में 660 से अधिक मिस्र के लोग शामिल हैं। काहिरा में 2 अधिकारियों के अनुसार उनमें से 31 को छोड़कर बाकी सब अनधिकृत तीर्थयात्री थे। मिस्र ने 11 ट्रैवल एजेंसियों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं, जिन्होंने अनधिकृत तीर्थयात्रियों को सऊदी अरब की यात्रा करने में मदद की थी। नाम न बताने की शर्त पर बात करने वाले अधिकारियों ने कहा कि ज्यादातर मृतक की रिपोर्ट मक्का के अल मुआइस्म पड़ोस में आपातकालीन परिसर में की गई थी। मिस्र ने इस साल 50,000 से ज्यादा अधिकृत तीर्थयात्रियों को सऊदी अरब भेजा था। सऊदी के अधिकारियों ने अनधिकृत तीर्थयात्रियों पर कार्रवाई की, जिसमें हजारों लोगों को निकाला गया, लेकिन कई ज्यादातर मिस्र के लोग मक्का और उसके आसपास के पवित्र स्थलों तक पहुंचने में कामयाब रहे।